हिंदू क्योंकि आस्था और उनके अंदर अपने धर्म को लेके इमोशनल अटैचमेंट इतनी है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सच चढ़ के बोल रही है, उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से इंसान को सीखने का मौका मिलता है, अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। इंसान माजी में की जाने वाली गलतियों से सीखकर मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है, वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद राय तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। सऊदी वफ्द आ गया पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, अब रोने के दिन गए, हंसने के दिन आ गए। और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अन्न की रोटी दाल मुफ्त वाला पाकिस्तान 16 रुपए की रोटी पे रक्स कर रहा है, जिसकी क्वालिटी घटिया और वजन कम है। हम सिर्फ बैगर्स हैं दुनिया में। हमारा नक्शा ये बन गया है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करते हैं, हम बातें करते हैं बस, ये कहते हैं जी हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी भारत के जो चुनाव है ना उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और भारत के अंदर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलरिटी है और जिस प्रकार के काम भारत के अंदर हुए हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, भारत की जो है ना एक्सपोर्ट को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए, उन सबको लेकर चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से भारत ने ग्रोथ पकड़ी है और फिर से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार जो है ना जीत कर आने वाले हैं, ऐसी चर्चा पाकिस्तान की मीडिया के अंदर यहां पर की जा रही है, तो वो हम देखने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इत्तेफाक 2 दिन हुआ कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे कंपेयर करना पड़ा, कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े इतिहास से लफ्जों को इस्तेमाल करूं, ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ के बारे में, साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू अ लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस्ड, और ये सारी चीजें दिस मेक्स देम एज अ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सच चढ़ के बोल रही है, उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज, मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना है। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशन थी, चीजें थी, उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज आज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं इंडिया, तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन होती रही हैं, कलोनियलिज्म था यहाँ पे, जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या किस तरह मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए, दुनिया के अंदर मैं ये आरजू सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कह रहा, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है, वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद राय तनकीद लड़ते हैं,
अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पर लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे, एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है, otherwise it was not possible जो उन्होंने अचीव किया है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा हमारा जज्बा डाउन हो जाता है? डाउन नहीं होता, मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फलां का बच्चा था और फलां भी ऐसा था और फलां के औलाद भी है। लेकिन वो देखें, इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको, हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिस चीज़ देगा, जब तक मैं खुद अपना आप अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं? सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है, हम बड़े माड़े लोग हैं, हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए मार मार के भी लोग जाते हैं, डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं, वहाँ इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर, क्या बातें कर रहे हैं, डंकी मार के जाते हैं जैसे भी जाते हैं। देखें, जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं, अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं, वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढिंडोरा पीटा हुआ था, हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है धूम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम ले। तुर्की में जब जलजला आया, सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही, जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिंस जो इनका जिस्म जो है जिंस इंसानों का बना दिया गया, और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि यहाँ आपने वीडियो के अंदर दो प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, वीडियो के शुरुआत में आपने पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर साजिद तारर साहब हैं जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं, और इन्होंने कई बार भारत को भी विजिट किया है, अभी कुछ समय पहले ये भारत में थे, और जैसे कि वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के आसपास जो है ना वो फिर से भारत के अंदर भारत को विजिट करने के लिए आने वाले हैं, तो कई बार इन्होंने जो है ना भारत को विजिट किया है, और ये जैसा कि वीडियो के अंदर बता रहे हैं जब वो भारत के अंदर आए थे तब उनको पता चला कि किस प्रकार की पॉपुलरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना भारत के अंदर रखते हैं, और ये जो कामयाबी है, ये जो पॉपुलरिटी है, ऐसे ही नहीं मिलती है किसी नेता को, उसको काम करके दिखाना पड़ता है, और पिछले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर जिस प्रकार के काम हुए इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर भारत 10 साल पहले कहाँ पर खड़ा था और आज 5वें स्पॉट पर आकर खड़ा है दुनिया में, एक्सपोर्ट आज भारत के कहाँ पर जा रहे हैं, $800 बिलियन के आसपास जो है ना भारत के एक्सपोर्ट पहुँच चुके हैं जो इतने रिकॉर्ड कभी नहीं थे। अगर देखा जाए भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $600 बिलियन के पार चला गया है, तो ये भी इससे पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं था। तो कुल मिलाकर जो है ना देखा जाए तो काम हुआ है भारत के अंदर, मोदी सरकार ने काम किया है, उसी के नतीजे सामने आ रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी जैसा कि आपने देखा है चर्चा की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तीसरी बार में नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार फिर से जो है ना चुनकर आ रहे हैं। तो साथ में आपने दूसरी वीडियो क्लिप भी देखी है जहाँ पर पाकिस्तान के हालात को लेकर चर्चा की जा रही है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।